मेरा बच्चा मर गया है। अरे मेरा बेटा हमें छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा हमें छोड़ के चला गया। अरे ये सब कौन रो रहे हैं? अरे क्यों, ये तो मेरी फैमिली है, लेकिन ये रो क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हे गाइस, मैं तो ठीक हूँ, लगता है गहरी नींद से सो के उठाऊ। ऐसा लग रहा है 3-4 साल से सो रहा था, मैं तो खुद 1 साल का हूँ। पापा जी ऐसे रो क्यों रहे हो? दादाजी, एक मिनट, ये क्या? अरे गाइस ये क्या, मेरी बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है? क्या मैं मर गया? नो, मैं तो भी छोटा सा हूँ, मेरी उम्र ही क्या थी। नो, मैं मर कैसे सकता हूँ, मैं तो छोटा सा ब्लू आयरन बेबी हूँ। और ये सब क्या है? गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब। ये लोग मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनको जरूरत है मेरी आवाज सुनने की, तभी तो इनको पता चलेगा कि मैं इनको सुन सकता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। किसकी आवाज आ रही है? अरे दादाजी आप मुझे सुन सकते हैं क्या? अरे बेटा मैं तुझे देख भी पा रहा हूँ, लेकिन तू तो मर गया है। अरे मेरी बच्ची, तू तो मर गया है, तू कैसे भूल पा रहे? मम्मी पापा ये मेरी आत्मा है, मुझे पता करना है मैं कैसे मरा हूँ, मुझे प्लीज कोई तो बताओ। मैं कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, मुझे लगता है हमारे ही परिवार में से किसी ने तेरे साथ ये साजिश रची है, किसी जलने वाले ने तुझे मार दिया। क्या, मेरे परिवार के किसी मेंबर ने मुझे मार दिया? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा सुन के तो मैं दोबारा मरना चाहता हूँ। गाइस ये कुछ वेपन्स हैं, शायद इनका इस्तेमाल करके किसी ने मुझे मारा है, वो भी मेरी फैमिली के मेंबर ने। ओह नो, मैं किससे शुरुआत करूं? अरे भाई तू जिंदा कैसे हो गया, तू तो हो ही नहीं सकता। गाइस मुझे मेरे भाई पे शक हो रहा है, इसलिए ना मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाऊंगा, अपने भाई के पास्ट में, और पता करूंगा क्या मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, प्लीज मेरे साथ रहना। एक मिनट, मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरे चोट की लग रही है, मैं शायद हर्ट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट गाइस, सामने देखिए यहाँ पर तो कुछ लोग हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ और मेरा बड़ा भाई है। गाइस चलो इनकी बातें सुनते हैं, असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। अरे छोटे भाई, एक शरारत भरा काम करेगा। अरे हाँ भैया, लेकिन कौन सा गेम खेलना है? वैसे भी काफी टाइम से मैंने शरारत नहीं की है, मम्मी पापा तो आप जानते हैं ना, वो रोके रहते हैं मुझे। तेरा बड़ा भाई है ना, तुझसे शरारत कराने के लिए, चल साथ में मजे करेंगे। अरे बिल्कुल भैया, जल्दी चलते हैं, मजा आएगा। बल्ले बल्ले, जल्दी जल्दी चलता हूँ भैया के साथ। गाइस कहीं मेरे बड़े भाई ने मुझे शरारत वाला गेम खिलवा के मार तो नहीं दिया था। ये मुझे लेकर कहाँ जा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। आजा मेरे भाई, तुझे आज यहाँ से उड़ना होगा। क्यों, लेकिन मैं तो उड़ ही नहीं पाता था, मुझे याद है गाइस मैं छोटा सा बच्चा हूँ। ओह माय गॉड, कहीं मेरे भाई ने मुझे यहाँ से धक्का देके मार तो नहीं दिया था। ओह माय गॉड। अरे चल मेरे भाई, क्या सोच रहा है, कूद जा। अरे भैया मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे पागल है क्या, देख ऐसे उड़ते हैं ऐसे हैं। अबे तू तो डरपोक है, मेरा भाई कहलाने लायक भी नहीं है। नहीं भाई प्लीज मुझे मत भड़का, मैं मर जाऊंगा। गाइस मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मेरी तो ये सुन ही नहीं सकता, अब तो बस ये मेरी पास्ट सेल्फ की सुन सकता है। ठीक है भैया मैं कूदता हूँ। ये कूदा, भैया बचाओ, बहुत जोर से लग रही है, भैया बचाओ। क्या मैं मर तो नहीं गया गाइस, मुझे देखना होगा जाके। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं ऐसे मरा था? अरे क्या हुआ, मेरा भाई मर गया क्या? अरे भाई तू ठीक है? हेलो गाइस एक मिनट, मेरा भाई तो मुझे देखने जा रहा है। एक मिनट गाइस, मैं तो ठीक हूँ, देखिए मैं नहीं मरा। अरे भैया कितनी जोर से लगवा दिया आपने तो। अरे छोटे भाई हम तो शरारत कर रहे थे, चल मम्मी पापा को मत बताना। ठीक है नहीं बताऊंगा, आगे से ऐसा गेम मत खिलाना मुझे, कितनी जोर से लग गई। गाइस ये क्या, यहाँ पर तो मैं बच गया, अच्छा हुआ। गाइस मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है, मेरे भाई ने मुझे नहीं मारा, लेकिन ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पागल नहीं, कोई बात नहीं। अब जल्दी हम प्रेजेंट में चलते हैं। मम्मी पापा मैं जस्ट अभी अपने भाई के पास से आ रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझे नहीं मारा। अरे भाई तू सोच भी कैसे सकता है कि मैंने तुझे मारा। माफ करना मेरे भाई, लेकिन हमारी फैमिली में से किसी ने मुझे मारा है, अब किसके पास में जाऊँ? अब ना मैं पापा जी के पास में जाता हूँ। मेरे बच्चे मैं तुझे क्यों मारूंगा? पापा जी मुझे शक है, क्योंकि काफी बार आप भी मुझसे बहुत ही ज्यादा किलसा करते थे और डांटा करते थे मुझे। गाइस चलो जल्दी जल्दी जाते हैं अपने पापा के पास में और चेक करते हैं। एक मिनट, ये क्या, मैं तो पापा के पास में आया था। अरे ये तो मेरा दोस्त है चिंटू। अजी कितना मजा आ रहा है, अजी नाचू नाचू। अरे हाँ भाई नाच 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 नाच, तुझे पता है आज तो मम्मी पापा को उल्लू बना के आ गया मैं। मम्मी पापा यार हमेशा बोलते हैं कि रेड डायमंड की फैमिली से दूर रहे, जबकि तू मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मैं भी तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरे अरे तेरे पापा आ रहे। अरे नहीं चिंटू, अब ये देखना मुझे तुझसे दूर ले जाएंगे। अरे बच्चे मैंने तुझसे मना किया था ना, कितनी बार बोला है मैंने इस रेड बच्चे से दूर रहने के लिए। हाँ
भागो। अरे पापा जी प्लीज, ऐसे मत डांटिए, कितनी बार कहा ना मैंने तुझसे, सुनता नहीं है मेरी तू, आज चल आ, तुझे सजा मिलेगी। नहीं, क्या कहा, मेरे पापा मुझे सजा देके जान से मार देंगे। ओ माय गॉड, मेरे पापा तो मुझसे काफी गुस्सा हो चुके हैं गाइस, अब देखना पड़ेगा। ओ नो, ये तो मोलोटोव है गाइस, ये तो वहां थी जहां पर मेरी डेड बॉडी थी, क्या मेरे पापा ने इनमें आग लगा के मुझे जला दिया। अरे पापा जी छोड़ दीजिए ना। नहीं, आज तुझे सजा मिलेगी, तू ट्रेनिंग वेनिंग करता है नहीं, ऊपर से उस पागल से बच्चे के साथ खेलता रहता है, इसलिए तू बिल्कुल चुप करेगा और अपनी सजा को कंप्लीट करेगा और ट्रेनिंग को भी। नहीं गाइस, मेरे पापा जी मुझे जिंदी आग में जलाएंगे। ओ माय गॉड, पापा जी छोड़ दीजिए ना, माफी मांग रहा हूँ। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी, चल अब एक काम करता हूँ, ये लगाई मैंने आग, चल ठीक, अब सरवाइव कर। अरे पापा जी दर्द हो रहा है, पापा जी बचाओ। ओ माय गॉड गाइस, मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे बेटे तुझे ताकतवर बनना होगा, मेरी बात मान, रेड डायमंड की फैमिली हमें कभी भी धोखा दे सकती है। नहीं पापा जी, वो मेरा बेस्ट दोस्त है। अरे बच्चे तू समझता क्यों नहीं है, तू मेरा छोटा बेटा है, मैं तुझ पे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज उनके साथ रहना छोड़ दे। मैं तुझे खोना तो क्या, अपने आप से एक मिनट दूर रहना भी मंजूर नहीं कर सकता, प्लीज हमारी फैमिली के साथ रहकर, अपने बड़े भाई के साथ रहकर। पापा जी मेरा बड़ा भाई मुझे मारने की हरकतें करता रहता है। क्या उस नालायक को तो मैं आज बताऊंगा। जी पापा जी चलिए। अरे गाइस नहीं, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझसे प्यार करते हैं, वो सही समझा रहे थे मुझे, लेकिन मेरा दोस्त चिंटू ऐसा नहीं है गाइस, चिंटू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता था। वैसे भी गाइस यहाँ पर पापा जी मैं भी आया, मुझे पता चला आपने मुझे नहीं मारा था। मेरे बच्चे मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। बिल्कुल मेरे पापा जी। गाइस अब मैं किसके पास्ट में जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये रेड हल्क कौन है? अरे मैं रेड गोल्डन हूँ। गाइस ये तो कोई नया है, जरूर इसी ने मुझे मारा होगा। अरे मैंने नहीं मारी, मत जा मेरे पास्ट में। गाइस मैं रेड गोल्डन के पास्ट में जा रहा हूँ, अभी पता चलेगा। वैसे भी ये हल्क जो होता है ना बुरे ही होते हैं। ओ माय गॉड, सामने देखिए ये तो खड़ा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, ये मेरे फ्यूनरल में क्यों आया है? आज कोई नहीं बचेगा, वाह वाह वाह, आज मैं उसको हरा दूंगा, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ओ माय गॉड, किसको हरा दूंगा? आज वो ब्लू आयरन मैन बेबी नहीं बचेगा। ओ माय गॉड, ये तो मैं ही आ रहा हूँ। नो 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 नो, मेरी इससे कब बातें हुई थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, अरे तेरे को मार देगा वो, उसके हाथ में चाकू है, बचा ले अपने आप को। और बच्चा तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ, आज ना मैं तुझे हरा के रहूंगा मोटे गोल्डन रेड हल्क। अच्छा अब बताता हूँ तुझे। नहीं गाइस, इसके हाथ में चाकू है। ओ माय गॉड नो नो, कहीं मुझे मारना था। जा नाची 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 नाची, मैं तुझे हरा करूंगा। अरे मैं तुझे हरा करूंगा, देख मैं अच्छा डांस कर रहा हूँ। क्या ये, क्या गाइस यहाँ तो डांस कॉम्पिटिशन हो रहा। अरे देख चाकू वाला डांस है, चाकू वाला, हाथ में चाकू लो और नाचो नाचो नाचो। अरे मेरा डांस ज्यादा अच्छा है, मेरे हाथ पीछे विंग्स है, विंग्स, मैं एक आयरन बेबी हूँ। अरे मैं तो बोर हो गया ऐसे, चल मुच्छड़ मैं तो जा रहा हूँ। अरे ड्यूटी करता है, अरे रुक तो, अरे रुक जा। गाइस ये क्या, ये तो मेरा दोस्त था, मैंने इतने बड़े लोगों को भी अपना दोस्त बना रखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कैसा हूँ। एक मिनट, मैं चिंटू के पास क्या कर रहा था? ब्लू आयरन बेबी, हमें मिलना छोड़ देना चाहिए अब। अरे ऐसा क्यों, तू तो मेरा दोस्त है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, मुझे जाना चाहिए। गाइस एक मिनट, ये मेरा दोस्त चिंटू इतना चिंता में क्यों था, और आज ये मस्ती क्यों नहीं कर रहा था, ये ऐसा क्यों बोल रहा था मुझसे कि हमें मिलना छोड़ देना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, मुझे वापस फिर से जाना होगा। मम्मी पापा मैंने देखा, गोल्डन रेड हल्क भी मेरा दोस्त था, इसने भी मुझे नहीं मारा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मी पापा मैं क्या करूं, किसने मुझे मारा था? मेरे बच्चे, काश मैं पता लगा पाती कि तुझे किसने मारा है, तुझे जिंदा कर पाती। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुझे किसने मार दिया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा। अरे मेरे दोस्त ब्लू आयरन बेबी, मुझे माफ कर दे। मेरी फैमिली को मार दिया उसने, और तू भी मेरे पास से चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक मिनट गाइस, ये क्या, ये तो चिंटू है। ओए चिंटू, तू रो क्यों रहा है? चिंटू मेरी बात सुन। गाइस चिंटू मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? लगता है गाइस मुझे बस मेरी फैमिली सुन सकती है। और इसकी फैमिली को किसने मार दिया, और ये कैसे, इसको कैसे पता मैं मर गया? गाइस कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मुझे खुद के पास्ट में जाना होगा और जाकर पता करना होगा कि असल में चिंटू का मेरी मौत से क्या कनेक्शन है, और उसकी फैमिली को मार किसने दिया। अरे पता नहीं किसने मार दिया उसकी फैमिली को, मेरी फैमिली को जान से मार दिया, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मुझे खुद के पास में जाना होगा ये पता लगाने के लिए कि मेरी मौत हुई कैसे थी। अरे ये कहाँ पर आ गया मैं? गाइस ये तो चिंटू है, और यहाँ पर, ओह माय गॉड, ये तो रेड रिवेंजर है। गाइस ये तो बहुत ही ईविल फैमिली का मेंबर है। ओह नहीं, चिंटू इसके पास क्या कर रहा है? माना दोस्त, कितनी बार
बार कहा है, अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है तो ब्लू आयरन मैन की फैमिली के सबसे छोटे बच्चे ब्लू आयरन किड को मार दे। लेकिन तू उसको मारता क्यों नहीं है? मेरा दोस्त है वो, मेरा फेवरेट दोस्त, मैं उसको कैसे मार दूंगा? तो ठीक है, तैयार हो जा खुद की फैमिली को मरते हुए देखने के लिए। नहीं नहीं, ठीक है मैं करूंगा, आज मैं करके रहूंगा। मैं अपने दोस्त को कैसे मार दूं? ओह गाइस, इसका मतलब बेचारा चिंटू, ओह माय गॉड। दोस्तों इसको सुपारी दी गई थी मुझे मारने के लिए, और अगर ये मुझे नहीं मारता तो इसकी फैमिली को वो रेड रिवेंजर मार देता। लेकिन अगर चिंटू ने मुझे मार दिया था तो इसकी फैमिली को रेड रिवेंजर ने क्यों मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और गाइस एक, ओह माय गॉड, तो मुझे चिंटू ने ऐसे मारा था। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, काश हम कभी मिले ही ना होते, काश मैं तुझे कभी भी अपना दोस्त ना बनाता, वो रेड रिवेंजर ने मेरा इस्तेमाल किया, मैं किसको बताऊं? मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब किया, I'm sorry, मैं किसको बताऊं? गाइस मुझे समझ आ गया, मेरे भाई, मेरे भाई तू रो मत, गाइस वो रेड रिवेंजर इसके पीछे की जड़ है। दोस्तों मुझे पता चल गया, चिंटू तू चिंता मत कर, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। अरे अरे तू 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 कहाँ से आ गया भाई? हाँ गाइस अभी मुझे देख सकता है। ओह माय गॉड चिंटू, मुझे सब पता चल गया, मेरे भाई मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। और तेरी फैमिली को किसने मारा? रेड रिवेंजर ने, उसने मेरा इस्तेमाल किया था, पहले तुझे मरवा दिया, उसके बाद मेरी फैमिली को भी मार दिया, और अब वो चाहता है या तो मैं उसकी गुलामी करूँ या मर जाऊँ। तू चिंता मत कर मेरे भाई, मुझे सब समझ आ गया है मुझे क्या करना है। गाइस अब मैं उस रेड रिवेंजर को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं वापस पास्ट में आ चुका हूँ टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। देखिए चिंटू जा रहा है मुझे मारने के लिए। चिंटू चिंटू मेरी बात सुन, चिंटू मेरी बात सुन रहा है तू? अरे तू कौन है? तू तो नहीं, तू वो नहीं हो सकता। अरे मैं वही हूँ, मैं असल में फ्यूचर से आया हूँ। भाई मेरी बात सुन, उस गन का इस्तेमाल करके उस रेड रिवेंजर को मार दे, नहीं तो वो तुझे लालच दे रहा है, तू मुझे जब मार देगा उसके बाद वो तेरी फैमिली को ही मार देगा। क्या ऐसा? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो इससे मरेगा क्या? बिल्कुल मरेगा। अरे हाँ, और नहीं, तुझे कैसे पता है मैं उस गन से मर जाऊंगा? मैंने मार दिया, रेड रिवेंजर को मार दिया। लगता है गाइस मेरा समय आ गया है, मैं गायब हो रहा हूँ। अरे एक मिनट, ये क्या, मैं तो अपनी बॉडी में वापस आ गया। मम्मी पापा, मेरे पाचे तू जिंदा हो गया। अरे वाह मेरी बेटी। अरे वाह चिंटू, तेरी फैमिली जिंदा है। हाँ भाई तेरी वजह से जिंदा है, तूने सब कुछ ठीक कर डाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो ऑडियंस का बोलो। गाइस अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियो और देखना तो प्लीज कमेंट पे पार्ट 2 लिखो। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।